हेलो सर, माय नेम इज आरकेएस सर, बीटेक आईआईटी धनबाद एंड ऑथर ऑफ रेडो सॉल्यूशन। आज आपको बताने जा रहा हूँ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इन सिंगल ऑब्लिक मल्टीपल रोटेटिंग फ्रेम एंड इट्स यूज, और इसका यूज ही बताऊँ। देखिए, सिंगल रोटेटिंग सिस्टम हो या मल्टी रोटेटिंग फ्रेम हो, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का डिफिनेशन है एन एक्सिस विच इज पैरेलल टू टोटल एंगुलर वेलोसिटी। मैं बात कर रहा हूँ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन सिंगल या मल्टी रोटेटिंग फ्रेम। द डिफिनेशन इसका है कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज एन एक्सिस विच इज पैरेलल टू टोटल एंगुलर वेलोसिटी। टोटल एंगुलर वेलोसिटी वेलोसिटी की पैरेलल होती है एंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑन रिजिड बॉडी और अ पॉइंट ऑन एक्सटेंडेड रिजिड बॉडी विच इज इन रेस्ट। तो दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन निकालने के लिए। पहला कि टोटल एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, उसके पैरल होगा, और सेकेंड रिजिड बॉडी का पॉइंट हो या रिजिड बॉडी का एक्सटेंडेड पार्ट का पॉइंट हो, जिस जिस पॉइंट की वेलोसिटी जीरो हो वो इंस्टेंटेनियस एक्सिस उस पॉइंट से पास करता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स, जैसे एग्जांपल्स लिखने से पहले कुछ बता दूं। फर्स्ट पॉइंट, इसका यूज कहाँ करते हैं, मतलब तो उस पॉइंट की वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। इसका यूज में फर्स्ट यू कैन कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट ऑन रिजिड बॉडी विद द हेल्प ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। द वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट ऑफ रिजिड बॉडी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर, जहां ओमेगा टोटल है और आर वेक्टर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में पोजिशन वेक्टर है। यू कैन फाइंड एनी वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट ऑफ रिजिड बॉडी विद द हेल्प ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड दिस वेलोसिटी इज ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर, ओमेगा टोटल क्रॉस आर वेक्टर, वेयर आर वेक्टर इज अ पोजिशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑफ रिजिड बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अ पॉइंट ऑन इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। सेकेंड, इसका यूज क्या कर सकते हो, स्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन ओमेगा वन ओमेगा टू डॉट डॉट इन मल्टी रोटेटिंग फ्रेम। इन मल्टी रोटेटिंग फ्रेम में इस काम को कर सकते हैं। अब इन दोनों का यूज करके कुछ क्वेश्चंस पर, जैसे सपोज करो एक बार जय ने एक क्वेश्चन दिया था इस तरह से, कंप्रेहेंशन में था इस तरीके से, डिस्क था, एक डिस्क है जो कि इसके अबाउट एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूम रहा है और ये फिक्स पॉइंट है, फिक्स्ड है। सिमिलरली एक फिक्स पॉइंट यहां भी ले लिया, डिस्क को मैंने ऐसे ले लिया, डिस्क ऐसा है और एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूम रहा है। तो कोई पूछे कि इस डिस्क की आईएआर और इस डिस्क का आईएआर कौन सा है, आईएआर यही है क्योंकि इस पॉइंट की वेलोसिटी जीरो है, इस डिस्क की नेट ओमेगा भी यही है, इस डिस्क का भी नेट ओमेगा यही है। तो पहली बात की स्टेडियन एक्सिस ऑफ रोटेशन, चाहे इस डिस्क की बात करो चाहे इस डिस्क की बात करो, वो हमेशा पैरल होगा, हमेशा पैरल होगा किसके, इस ओमेगा के पैरल होगा, और साथ में उस पॉइंट से पास करेगा जिसकी वेलोसिटी जीरो होगी। इस पॉइंट की वेलोसिटी जीरो है ना, इसकी जीरो है ना, ये जो आईएआर है वो इससे पास करेगा। तो दिस इज द आईएआर फॉर दिस वन एंड दिस इज अगेन आईएआर फॉर दिस डिस्क, मतलब दोनों डिस्क का आईएआर एक दूसरे के पैरल है एंड पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट। क्वेश्चन नंबर टू पे आता है। क्वेश्चन नंबर टू में के लिए मैंने क्या किया, देखते रहिए पे बेस लोके। एक बार फिर जेई ने जो क्वेश्चन दिया था फोन का प्रॉब्लम और रेडो में भी है, मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो ये रेडो का प्रॉब्लम है इस तरीके से। अच्छा,
इस तरीके से डिस्क है, कौन मान लो ये कौन है, ये कौन एक्सिस, इस ये जो कौन है ये प्योर रोल कर रहा है इस सरफेस पे, और उसकी वाला इसकी रेडियस स्मॉल आ रहा है, तो ये लेंथ एल के बराबर है, और कौन की सेंटर की वेलोसिटी भी है, तो कोई पूछे कि पहला तो तुम ये बताओ कि इसका आईएआर कहाँ पे, आईएआर कौन सा, दूसरा ये कोई पूछे कि इसकी सेंटर की इस डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी और इसका सेंटर जो है वो इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर स्पीड ओमेगा वन से घूम रहा है, और ये जो डिस्क है वो इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर स्पीड ओमेगा टू से घूम रहा है, इस तरीके से ये मोशन है बेसिकली, इस तरीके से कि एक डिस्क है, एक्सिस है, ये डिस्क ऐसे घूमते हुए आगे घूम रहा है, ये डिस्क ऐसे घूमते आगे घूम जा रहा है, इस डिस्क का एंगुलर वेलोसिटी अपने एक्सिस के अबाउट ओमेगा टू है, और डिस्क का सेंटर इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा वन से घूम रहा है। हमें जानना है ओमेगा वन ओमेगा टू में रिलेशन क्या होगा, और दूसरा हमें ये जानना है कि इस कोन का इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा है। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट रिलेशन बिटवीन ओमेगा वन एंड ओमेगा टू स्टेब्लिश करना है, सेकेंड आई ए आर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा पॉइंट है, और उसके बाद ये जो टॉप पॉइंट है ना, लेट दिस इज द टॉप पॉइंट, दिस इज द टॉप पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी निकालना है, इसका टॉप पॉइंट की वेलोसिटी निकालना है। चलो सबसे पहले ओमेगा वन ओमेगा टू में रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए मैंने क्या किया, एक तो मेथड वन है, मेथड वन है कि ये जो वेलोसिटी भी होगी ना, अगर ये आईआर के ये जो पॉइंट है ये रेस्ट में प्योर रोलिंग कंडीशन में, दिस इज प्योर रोलिंग कंडीशन, तो ये पॉइंट रेस्ट में है, ओमेगा टू क्या लिखेंगे, ओमेगा टू को आप लिखेंगे वी अपॉन स्मॉल, वी अपॉन स्मॉल, और ओमेगा वन को क्या लिखेंगे, ओमेगा वन को लिखेंगे आप सेंट्रिक वेलोसिटी भी, और ये दूरी एल है और ये 90 डिग्री है ना, आप लिखेंगे भी अपॉन एल, तो रिलेशन क्या आएगा, तो डिवाइड कर दीजिए, ओमेगा टू अपॉन ओमेगा वन इज इक्वल टू बी से भी कटेगा, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो एल ऊपर जाएगा, एल अपॉन आर, एल अपॉन आर, अगर मैं कहूँ क्यू वाला एंगल थीटा है तो कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा होगा एल अपॉन आर, दिस इज कॉट थीटा, इससे रिलेशन क्या इस्टेब्लिश हो गया, इससे रिलेशन स्टेबलिश हो गया, ओमेगा वन इज इक्वल टू इधर भी दीजिए कॉट थीटा, इधर दिस इज ओमेगा टू टेन थीटा, दिस इज द मेथड वन। अब हम बात करेंगे मेथड टू की, मेथड टू की बात कर, अगर आप मेथड टू की बात कर रहे हैं देखते रहिएगा, मेथड टू के लिए हमें देखना होगा कि ओमेगा वन और ओमेगा टू के लिए आई ए आर, ये तो बेसिक पॉइंट है, बेसिक मेथड है, अगला मैं हेल्प ले रहा हूँ आई ए आर को, आई ए आर जो होना चाहिए वो किधर आएगा मुझे बताओ, अगर मैं ये कहूँ और इसका एंगुलर एक्सप्रेशन तो आ जाता है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, जो इसका फोर्थ पार्ट होता है एंगुलर अल्फा ये मैं आपको थर्ड वीडियो बताऊंगा, अभी के लिए तो मैं ये बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आई आर निकालते हैं, इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालना, इस पूरे का जो टोटल एंगुलर वेलोसिटी होगी ये होगी, ये वाला डायरेक्शन एक्स एक्सिस है, एक्सिस दिस इज द वाई एक्सिस, ये बनेगा ओमेगा टू आई कैप प्लस ओमेगा वन जे कैप, ये दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस कोन, ऐसे घूम रहा है तो ओमेगा टू आई कैप, और ऐसे घूम रहा है तो ओमेगा वन जे कैप, दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, अब जो भी आई ए आर होगा इस एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए, इस एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए, और वो इस पॉइंट से पास करेगा, ये वाला पॉइंट रेस्ट में इस पॉइंट से पास करेगा और इस एक्सिस के पैरेलल होगा, एक और सी देखना थोड़ा सा, ये पॉइंट है रेस्ट में और ये भी पॉइंट तो रेस्ट में है, इस कोन का ही तो पार्ट है, कोन का ही, ये भी रेस्ट में, ये भी रेस्ट में, इन्हीं दोनों से तो पास होना चाहिए आई ए आर, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो आई आर आना चाहिए, जो आई आर आना चाहिए वो इसका डायरेक्शन बेसिकली ये होना चाहिए, ये डायरेक्शन होना चाहिए, ये डायरेक्शन,
ए बी रास्ते में, ए बी रास्ते में आई ए आर इस डायरेक्शन से पास करेगा, जैसे द आई आर, आई ए आर, वो इससे पास करेगा, देखो दिस वन इज आई आर, ये आई ए आर का डायरेक्शन है। क्यों मैंने बोल दिया आई आर, क्योंकि ए बी रेस्ट में है और ये भी रेस्ट में, तो आई आर तो इसी से पास कर रहा चाहिए, दो पॉइंट मिल गया। और ये जो नेट टोटल एंगुलर वेलोसिटी होनी चाहिए वो हर हाल में इस एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए, तो मतलब ओमेगा टू का वेक्टर ऐसे है, ओमेगा टू के वेक्टर्स ये कैसे घूम रहा, ये डिस्क ऐसे घूमते से जा रहा, ये ओमेगा ऐसे आएगा ऐसे घूम रहा, सॉरी ये ऐसे है, ओमेगा टू माइनस साइन बनेगा, ये ऐसे घूम रहा ना, ऐसे देख सकते हो ओमेगा टू ना ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे अगर ऐसे घूम रहा है, ऐसे इधर का पता हम इधर आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, माइनस एक्स एक्सिस में आ रहा है, दिस माइनस ओमेगा टू, ओके माइनस ओमेगा टू आई कैप। अब देखो थोड़ा सा मैं इसको वेक्टर फॉर्म का हेल्प लूंगा, देखिए ये तुम देखना मुझे ये बताओ, ओमेगा वन जी में पॉजिटिव है तो ओमेगा वन को ऐसे दिखाओगे, ओमेगा टू नेगेटिव है तो ऐसे दिखाओगे, एंड जो रिजल्टेंट आना चाहिए, रिजल्टेंट जो आना चाहिए, रिजल्टेंट वो ऐसे होना चाहिए। अच्छा ये वाला एंगल अगर थीटा है, ये भी एंगल क्या आएगा, थीटा आएगा, हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा होना चाहिए, तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होना चाहिए, इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में तभी संभव है जब इसके परपेंडिकुलर जीरो हो जाए, ये थीटा इनाइटिव थीटा ये क्या बनेगा, थीटा ओमेगा वन का ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा, ओमेगा वन कॉस थीटा, और ओमेगा टू का ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा, ओमेगा टू साइन थीटा, ये इक्वेट कर दो, तो यहाँ से ओमेगा वन कितना आएगा, तो इधर भेज दो, दिस इज ओमेगा टू, आ गया आंसर। इस तरीके से मैंने क्या किया कि इस कोन के एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन स्टैब्लिश कर दी विद द हेल्प ऑफ बेसिक अप्रोच और इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। चलिए अब आई ए आर भी मैंने निकाल लिया जो कि हॉरिजेंटल से थीटा एंगल पे है, सेकेंड का आंसर मिल गया। थर्ड कह रहा है कि जो टॉप मोस्ट पॉइंट है इसकी वेलोसिटी, तो इस आई आर पे एक पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, इस आई आर पे एक पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में हम पोजिशन वेक्टर लिखेंगे और ओमेगा क्रॉस आर करेंगे। तो चलो मैं इसका हेल्प ले रहा हूँ, देखिए मैंने क्या किया, पॉइंट पी का पोजिशन वेक्टर लिखेंगे इसके रिस्पेक्ट, दिस इज द आर वेक्टर, ये क्या बनेगा, इस जे एक्सिस के पैरेलल है, ये दूरी कितनी है, टू आर है ना, दिस इज टू आर इंटू जे कैप, टू आर इंटू जे कैप। अब कोई पूछे कि इस पॉइंट की वेलोसिटी बताइए, तो ओमेगा टोटल वेक्टर क्रॉस आर लिखें, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी इज ओमेगा टोटल, टोटल वेक्टर्स क्रॉस आर वेक्टर कर दीजिए, इसको इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, देखो ये ओमेगा टोटल ये है एंड क्रॉस प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ टू आर जे कैप, आई क्रॉस जे के होता है तो वैल्यू क्या बनेगी, माइनस टू आर ओमेगा टू, माइनस टू आर ओमेगा टू, आई क्रॉस जे इज के, जे क्रॉस जे इज जीरो, तो जो पार्टिकल पॉइंट का जो स्पीड आएगा दिस इज टू आर ओमेगा टू, वो अंदर करोगे इस प्लेन के अंदर करोगे, तो इस डिस्क पे ही नहीं इस पूरे कोन पे किसी भी पॉइंट की अगर वेलोसिटी निकालनी है तो उसका पोजिशन वेक्टर निकालो और ओमेगा क्रॉस आर कर दो। अब इसी भी प्रॉब्लम, इस पी का एंगुलर वेलोसिटी क्या आप एंगुलर वेलोसिटी करो, वेलोसिटी क्या इस पॉइंट से निकाल सकते हैं, यस निकाल सकते थे, आप इस वेक्टर को निकालो और इसको ओमेगा टोटल में मल्टीप्लाई क्रॉस कर दो, क्रॉस कर दो, आपको नेट आंसर मिल जाएगा, ओके। तो ओके सिमिलरली एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, ये है ये है। सपोज करो एक कोन है जो कि इस तरीके से ग्राउंड है, एक कोन ऐसा और इस एक्सिस के बाद
ये पूरा कौन एंगुलर स्पीड ओमेगा वन से घूम रहा। ये जो कौन है ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। और ये पूरा पूरा कौन अपने एक्सिस के अबाउट एंगुलर स्पीड ओमेगा टू से घूम रहा है। पूरा कौन इसके चारों तरफ प्योर रोलिंग कर रहा है। और ये रेस्ट में, ये बॉटम पॉइंट रेस्ट, पूरा पूरा रेस्ट। और इसी पे बेस होके जे ने जो क्वेश्चन भेजा था पूछा था उसमें दो डिस्क लगा दिया था। डिस्क लगा कहा था कि ये जो दोनों डिस्क है इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रहा है। ये डिस्क अपने एक्सिस के अबाउट एंगुलर स्पीड ओमेगा टू से घूम रहा है और साथ में इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा वन से घूम रहा है। पूछा गया था कि अगर ये वाला एपेक्स एंगल अल्फा है, एंगल अल्फा है, इस एंगल अल्फा को में ये लेंथ और इसके सहायता से निकाला जा सकता था, बट हमें पाते हैं ओमेगा वन ओमेगा टू में रिलेशन अल्फा पे डिपेंड करता है, ये डिस्टेंसेस पे डिपेंड नहीं करता। ये यहाँ पर है डिस्क तो यहाँ पर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यह लगातार डिस्क रहे। पहला क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन ओमेगा वन एंड ओमेगा टू। दूसरा ये पता करना आई ए आर कौन सा है। एंड तीसरा मुझे ये पता करना है कि इस पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी, कोई पूछे कि इस पॉइंट की वेलोसिटी बताइए वो भी आप निकाल सकते हैं। दिस पॉइंट इज पी, तो आई आर कौन सा होगा। इतना तो कंफर्म है हमें दो पॉइंट सिलेक्ट करना है जिसकी वेलोसिटी जीरो। एक तो पॉइंट यही है, एक पॉइंट तो यही है, इसको मिलाने वाला लाइन दिस इज द आई आर। बेसिकली ये जो एक्सिस है ना दिस इज आई आर, यही एक्सिस बेसिकली आई ए आर, ये आई आर। अब इस पूरे डिस्क का ओमेगा निकालना पड़ेगा। इस डिस्क का जो ओमेगा होगा, इस डिस्क का अपने एक्सिस के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा टू, इस डायरेक्शन को मैंने आर कैप से रिप्रेजेंट कर दिया। अब नेट ओमेगा क्या लिखेंगे, टोटल ओमेगा इज ओमेगा टू माइनस आर कैप लिखोगे। रीजन ये है कि ये इस तरीके से घूम रहा है ना, ऐसे घूम रहा है ना, ये ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, फिंगर फंसाओगे थंब अंदर को आएगा, माइनस ओमेगा टू आर कैप, क्योंकि आर कैप का उल्टा आ रहा है। प्लस इसका जो एक्सिस है वो इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के अबाउट, ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, अगर मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस सिलेक्ट कर लूँ यहाँ के कोऑर्डिनेट एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा है ओमेगा टू से, तो ओमेगा टू माइनस आर कैप, और कोऑर्डिनेट एक्सिस इसके अबाउट घूम रहा है ओमेगा वन से, क्या लिखेंगे ओमेगा वन जे कैप, ऐसे घूम रहा है तो ओमेगा वन जे कैप। अब एक चीज और बता रहा हूँ, ये जो होना चाहिए अगर ये आई आर पॉइंट है तो ये जो होना चाहिए ना इट मस्ट बी पैरल टू एक्स एक्सिस, हॉरिजेंटल के पैरल होना चाहिए। चलो हॉरिजेंटल के पैरल होना चाहिए, इसका रिजल्टेंट तो ओमेगा, अब बताता हूँ कैसे आएगा। ओमेगा वन का डायरेक्शन ऐसे है, ओमेगा वन ऐसे है, और ओमेगा टू का डायरेक्शन ऐसे है, ऐसे इसको ऐसे बढ़ा दो, ऐसे ओमेगा टू का डायरेक्शन आपका ऐसे है, और ओमेगा टू जो है हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बना रहा है, दिस एंगल इज अल्फा। अब आईआर ये है तो ये जो टोटल एंगुलर वेलोसिटी होनी चाहिए वो इस एक्स डायरेक्शन में होना चाहिए। एक्स डायरेक्शन में तभी पॉसिबल है जब ओमेगा टू का ये वाला सॉरी वाई कंपोनेंट जीरो हो जाए, क्योंकि ताकि नेट सिर्फ एक्स के अलोंग हो। क्या लिखेंगे ओमेगा वन इज इक्वल टू ओमेगा टू साइन अल्फा, दिस इज द रिलेशन। हॉरिजॉन्टल में नेट ओमेगा होगा तो वर्टिकल ओमेगा जीरो कर दिया, वर्टिकल ओमेगा जीरो कर दिया, ये रिलेशन मिल गया। अगर अल्फा आपको पता होता तो आप इस ओमेगा वन और इस ओमेगा टू में रिलेशन इस्टेब्लिश कर लो। तो मैंने आई ए आर भी निकाल लिया। अब पॉइंट पी की बात करें, पॉइंट पी इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालना है तो ठीक है, तो इस पॉइंट का पोजिशन वेक्टर लिख लो और टोटल ओमेगा में क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, आंसर हो जाएगा। इसका पोजिशन वेक्टर आप क्या लिखेंगे, ये वाला लिख लो पोजिशन वेक्टर। जैसे अगर मैं कहूँ कि ये लेंथ मान लो एल के बराबर, एल के बराबर, तो जो पॉइंट पी है, जो पॉइंट पी है इसका पोजीशन वेक्टर क्या लिखेंगे, दिस इज एल कॉस ऑफ टू अल्फा आई कैप प्लस एल साइन टू अल्फा जे कैप लिखेंगे। आर पी मिल गया, ये टोटल ओमेगा मिल गया, ओमेगा क्रॉस आर कर दो, ओमेगा क्रॉस आर कर दो, आपको पॉइंट पी की वेलोसिटी मिल गई। ठीक है, तो मैंने पॉइंट पी की वेलोसिटी निकाला आई आर के साथ। ओके, तो आपने देखा कि आई आर वास्तव में कितना इंटरेस्टिंग अप्रोच है जिसके सहायता से आप
मल्टी रोटेटिंग सिस्टम में ओमेगा में रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं, प्लस मल्टी रोटेटिंग सिस्टम में जो रिजिड बॉडी है उसकी एब्सोल्यूट कितनी वेलोसिटी है उसको कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी पॉइंट की एब्सोल्यूट वेलोसिटी इसके सहायता से। ओके तो ये क्वेश्चन नंबर क्या था आपका? एक क्वेश्चन और मैं आपको दिखाता हूँ, द क्वेश्चन थर्ड, दिस वन इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड बता रहा हूँ। ये एक्चुअल में दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ये इस तरीके से कोन होता है, ऐसा कोन, एक कोन मैंने ऐसे दिया, इस कोन में एक छोटा सा कोन है जो कि इस बाहरी सरफेस पे प्योर रोल कर रहा है। इस कोन का ये जो एंगल है, दिस एंगल इज, लेट्स दिस एंगल इज अल्फा, और इस कोन का जो सेमी वर्टेक्स एंगल है ये बीटा है। ये एंगुलर स्पीड ओमेगा वन से ये कोन घूम रहा है अपने एक्सिस के अबाउट, और इसका जो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा टू से घूम रहा है, ओमेगा टू से। सिमिलरली ये है, दिस एंगल इज अल्फा, सेमी वर्टेक्स एंगल इज अल्फा, और इसके ऊपर एक कोन है ऐसा, इसका जो अपेक्स एंगल है, दिस एंगल इज बीटा। फिर ये अपने एक्सेस के अबाउट ओमेगा टू से घूम रहा है, और इसका ये एक्सेस इसके अबाउट ओमेगा, सॉरी इसको ओमेगा वन लिख लो और इसको ओमेगा टू लिख लो, ऐसे घूम रहा है। अब रिलेशन स्टैब्लिश करना होता है इस ओमेगा वन इस ओमेगा टू में क्या रिलेशन है, इस ओमेगा वन इस ओमेगा टू में क्या रिलेशन है। दोनों ही रिलेशन हम चाहेंगे तो आईआर के साथ इजीली डेवलप कर सकते हैं, इसके लिए मुझे किसी भी डिस्टेंस की जरूरत नहीं है। ठीक है तो देखिए मोशन कैसे हो रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है जो पहला डायग्राम है उसमें एक बड़ा सा कोन है, उसके अंदर एक छोटा सा कोन है जो ऐसे घूमते हुए आगे को भाग रहा है। हमें आईआर पता करने के लिए एक बार फिर हम कोऑर्डिनेट एक्सेस की बात करेंगे। जो कोऑर्डिनेट एक्सेस है, वन सेकेंड, ये कोऑर्डिनेट एक्सेस फिक्स कोऑर्डिनेट एक्सेस है, तो तुम कह सकते हो एक्स वाई, और ये जो कोऑर्डिनेट एक्सेस है, ये जो कोऑर्डिनेट एक्सेस है वाई डैश एक्स डैश है जो कि रोटेट कर रहा है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नेट टोटल एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे, टोटल एंगुलर वेलोसिटी इस कोन का अपने ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे अगर ऐसे घूम रहा है तो ओमेगा टू नीचे कर बनेगा, नीचे कर आप इसको लिख सकते हैं माइनस ओमेगा टू जे कैप जे डैश कैप वाई डैश के साथ जे डैश कैप लगा दिया, प्लस इसका ओमेगा टू है ओमेगा टू, और ये कोन ऐसे घूम रहा है, ऐसे अगर ऐसे घूम रहा है तो थम ऊपर आएगा है ना, ऐसा कोन है, इसमें अगर ये ऐसे घूम रहा है ऐसे घूम के ऐसे भाग रहा है, अगर ऐसे घूम रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी ऐसे आई इस एक, और ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रहा है ऐसे ऊपर को, ओमेगा टू जे कैप इसे, और दिस इज द टोटल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस को, और जो आईआर होगा वो इस एक्सिस के पैरेलल होगा। अब ये इस पे दो पॉइंट सेलेक्ट करोगे तो ये पॉइंट रेस्ट में है ना, इसका मतलब ये जो एंगुलर वेलोसिटी है वो इसके डायरेक्शन में होना चाहिए, आईआर ये है वैसे, ये आईआर है इसके डायरेक्शन में होना चाहिए, तो मैंने इस डायरेक्शन को बना दिया था, ये होना चाहिए। अगर मैं पूछूं इसका वर्टिकल सिंगल क्या है, इसका वर्टिकल सिंगल है अल्फा, दिस एंगल इज अल्फा। ओके एक काम करते हैं इसको किसी अलग जगह बनाते हैं ताकि मैं अच्छे से समझा सकूं, इसके लिए मैं एक बार वीडियो को बंद करता हूँ, देखना। अब मैं यहाँ बनाने जा रहा हूँ, यहाँ पे ये है, दिस इज आई ए आर, दिस इज आई ए आर, और दिस एक्सेस मेक द एंगल अल्फा विथ आई आर, ये जो एक्सेस है वो इस आई आर के साथ अल्फा एंगल बना रहा है क्योंकि यही पॉइंट है जो कि रेस्ट में, और ये जो नेट वेक्टर आना चाहिए ये इसके पैरेलल आना चाहिए, ओमेगा टू माइनस साइन मतलब ओमेगा टू का डायरेक्शन आप ऐसे दिखाएंगे, ओमेगा
ये तो ओमेगा वन है ना, दिस नॉट ओमेगा टू, दिस इज ओमेगा वन, दिस इज ओमेगा वन, ये ओमेगा वन है बेसिकली। ओमेगा टू ये कैप से और ओमेगा वन माइनस साइन है ना, तो माइनस साइन का मतलब ये है, सॉरी ओमेगा टू जे कैप प्लस आया है ना, तो इसको तो ऊपर क्यों दिखाओगे तुम। वन सेकेंड, ओमेगा टू को तुम प्लस के साथ दिखाओगे, दिस इज ओमेगा टू, और ओमेगा वन माइनस जे है तो ओमेगा वन को तुम ऐसे दिखाओगे, और ओमेगा वन का एंगल दिखाओ। अच्छा ये जो एंगल, ये लाइन है ना, ये जो लाइन आगे बढ़ा दो, इस लाइन को आगे बढ़ा दो, ये पूरा एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा, तो एंगल क्या बनेगा, अल्फा माइनस बीटा बनेगा भाई। एक एक्सिस ए है और एक एक्सिस ए है, और आई आर का डायरेक्शन ही है सीधा आई आर, और ये जो एक्सिस है ना, ये जो एक्सिस है वो ये है, ये एंगल पूरा अल्फा है, ये एंगल पूरा बीटा है। तो कोई पूछे ये एंगल कितना होगा, दिस इज अल्फा माइनस बीटा, तो जो ओमेगा टू बनेगा तुम्हारा वो इस आई आर के साथ बीटा एंगल पे है, इस आई आर को आगे बढ़ा दो, इस आई आर के साथ जो एंगल बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, विच एंगल इज बीटा माइनस है ना, ओमेगा वन जो आएगा दिस एंगल इज बीटा, दिस एंगल इज बीटा, तो आई आर का पॉइंट है ये ओमेगा वन इधर नहीं आएगा, मिस्टेक, ओमेगा वन ऐसे आएगा क्योंकि एक्सिस ऐसे है ना, ये ऐसे है ना, ये बनेगा ऐसे, दिस इज बेसिकली ओमेगा वन एंड दिस एंगल विल बी बीटा, दिस एंगल विल बी बीटा। अब देखो जो आई आर है वो हर हाल में, ये जो एक्सिस है ना, ये जो एक्सिस है ना, ये एक्सिस इस एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए, इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आना चाहिए, मतलब इसके परपेंडिकुलर जीरो हो जाना चाहिए, परपेंडिकुलर जीरो। अच्छा ये एंगल कितना होगा, इस एक्सिस का आई ए आर के साथ एंगल अल्फा है ना, तो फिर तो आप क्या करोगे, आप यहाँ क्या करोगे, नेट जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो इस आई आर के डायरेक्शन में होगी, इसके परपेंडिकुलर जीरो कर दो, इसके परपेंडिकुलर जीरो कर दो, तो इस ओमेगा टू का ये वाला कंपोनेंट परपेंडिकुलर बनेगा, ओमेगा टू साइन अल्फा मस्ट बी ओमेगा वन का ही परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये वाला, दिस इज ओमेगा वन साइन, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस कोन अबाउट इट्स ओन एक्सिस एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एक्सिस ऑफ कोन विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, तो ओमेगा वन ओमेगा टू के रिलेशन। सिमिलरली अगर आपको यहाँ पता करना है, इसके लिए भी अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या करेंगे, देखना मैंने क्या किया, सेम अप्रोच यूज किया, दिस वन इज, ये ओमेगा टू है, ये वेक्टर ओमेगा टू बनेगा, अगर ये ऐसे घूम रहा है तो ओमेगा टू का वेक्टर ऊपर को आएगा, और ये ऐसे घूमते हुए इसके चारों तरफ जा रहा है, तो अगर ये कोण ऐसा है तो ये ऐसे घूमते हुए, ये कोण ऐसे घूमते हुए इसके चारों तरफ जा रहा है, तो आई आर का पॉइंट कौन सा होगा, ये होगा ये पॉइंट रेस्ट में, ये पॉइंट रेस्ट में, दिस लाइन इज आई आर, ये आई आर कहीं बीच में होगा ऐसे, दिस लाइन इज आई आर, दिस वन इज द आई आर, और इस आई आर, ये जो आई आर है इसके साथ दिस एंगल इज अल्फा, और इसका जो एक्सेस है वो इस आई आर के साथ जो एंगल बना रहा है दैट इज बीटा, ओमेगा वन इस डायरेक्शन में, समझ सकते हो क्यों है, ये कौन ऐसे घूम रहा है, रिपीट कर रहा हूँ, वीडियो तुम्हें दिखा देता हूँ, देखा ये जो कौन है, ये जो कौन है ना उसके ऊपर ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे फिंगर फंसा दो तो थंब आ रहा है ऊपर, ओमेगा वन ऊपर होगा, साथ में उसका एक्सिस भी इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे, ये भी ऊपर को आएगा, ओमेगा टू भी ऊपर होगा और ओमेगा वन भी ऊपर होगा। अब मैंने क्या किया, अब मैं रिजल्टेंट का यूज करूँगा, रिजल्टेंट इसके परपेंडिकुलर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, ओमेगा वन का ये वाला कंपोनेंट, ओमेगा टू का ये वाला कंपोनेंट इक्वेट कर दो, ओमेगा वन साइन बीटा
इज इक्वल टू ओमेगा टू साइन हेंडरसन आंसर। तो यहाँ पे मैंने आपको एक बात बताई कि IAR के साथ आंसर, एक और बात है इसके अलावा, अगर कोई आपसे ये कहता है किसी में इस डिस्क पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी बताइए, बड़ा इजी है, आप इसको ओरिजिन मान लीजिए, इसके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर निकाल लीजिए, चाहे इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट, किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाल लीजिए, उस पोजीशन वेक्टर को इस ओमेगा टोटल से क्रॉस कर दीजिए, मिल जाएगा इस पे लाई करने वाले पॉइंट की वेलोसिटी। ओके, तो मैंने आज आपको कॉन्सेप्ट समझाया इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का, ये क्या होता है, सिंगल और मल्टी रोटेशन सिस्टम का यूज किया और आपको बताया, एक्चुअल में ये मल्टी रोटेशन सिस्टम है, मैं बताता हूँ ये क्वेश्चन जो है दिस इज द मल्टी रोटेशन सिस्टम, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स डैश वाई डैश वो अपने अबाउट भी घूम रहा है, पूरा पूरा जो है यहाँ पे वो अपने एक्सिस भी घूम रहा है और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ का इस एक्सिस के अबाउट भी घूम रहा है, ये डबल रोटेशन सिस्टम, इसमें भी है, इसमें भी है, देखो ये अपने एक्सिस के अबाउट घूम रहा है और एक्सिस इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, मल्टी है, इसमें भी है, अपने एक्सिस के अबाउट घूम रहा है और एक्सिस इसके अबाउट घूम रहा है, इसमें भी है। ओके, थैंक यू।